नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। तो उससे पहले अपने को समझना पड़ेगा टोपोलॉजी क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं। हम टोपोलॉजी क्या है, लास्ट क्वेश्चन में अपन देख रहे थे, हम उसमें देख रहे थे नेटवर्क क्या है। नेटवर्क में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेज को हम किसी कम्युनिकेशन मीडिया मतलब एक केबल से आपस में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे टोपोलॉजी का मतलब जब उन डिवाइसेज को आपस में केबल से कनेक्ट करने के बाद फिजिकली या दिखने में जो पूरे सिस्टम्स का किस टाइप से वो दिखता है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। मतलब उनका फिजिकली किस टाइप से उन सब डिवाइसेज को हमने अरेंज कर रखा है, दिखने में कैसा शेप, मतलब उसका शेप कैसे दिखता है। जैसे कुछ स्टार टाइप से दिख सकती है, स्टार टाइप में ये हो सकता है कि बीच में कोई एक इस टाइप से बीच में एक सेंट्रल डिवाइस हो और यहाँ पे एक कंप्यूटर पहला रखा हो, एक इधर दूसरा कंप्यूटर रखा हो, एक यहाँ पे तीसरा कंप्यूटर रखा हो और ये आपस में कनेक्टेड हो। तो इसको हम कहेंगे कि जो ये डिवाइस है, यहाँ पे ये फर्स्ट डिवाइस ये वाली है, दूसरी ये है, तीसरी वाली ये है डिवाइस। तो ये जो तीनों डिवाइसेज हैं ये आपस में एक सेंट्रल डिवाइस है, कोई जो भी एक सेंट्रल डिवाइस उसके थ्रू आपस में कनेक्टेड है। दिखने में जो एक शेप बन रहा है, फिजिकली अपीयरेंस कैसा है इसका, दिखने में एक स्टार टाइप का दिख रहा है, तो हम कहेंगे इसको ये एक स्टार टाइप की टोपोलॉजी है। ठीक है, तो टोटल टोपोलॉजी क्या होती है ये समझ में आया। टोपोलॉजी कुछ नहीं है कि बहुत सारी मल्टीपल डिवाइसेज को हम एक कम्युनिकेशन मीडिया या कुछ वायर्ड मीडिया वायर से आपस में कनेक्टेड करने के बाद जिस टाइप से दिखने में फिजिकली अरेंजमेंट कैसा है उनका, उसको अपन टोपोलॉजी बोलते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। तो उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि टोपोलॉजी का प्रकार कौन कौन सा होता है। तो फर्स्ट एक टोपोलॉजी का टाइप होता है स्टार, जो मैंने अभी बना के दिखाया। एक होती है बस, एक होती है रिंग, एक होती है मैश और एक होती है हाइब्रिड, जिसमें जो भी अब मैंने पहले चार बताई, फर्स्ट होगी स्टार जो ऑप्शन ए में है, फर्स्ट होगी स्टार, दूसरी बस, तीसरी रिंग, एक जो इसमें नहीं दी गई है वो होती है मैश और एक हाइब्रिड भी होती है, जो इन जो भी जो चार दी गई हैं टोपोलॉजी उनको मिक्स करके बनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर रहेगा, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। इस केस में जो आंसर रहेगा अपना आंसर रहेगा आंसर डी, क्योंकि प्रोटोकॉल मैंने पहले बताया, प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल होता है, वो एक टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट अब इनमें देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या होता है। फर्स्ट टोपोलॉजी समझते हैं स्टार। स्टार का मतलब होता है कि कोई एक सेंट्रल में एक डिवाइस रहेगी, यहाँ पे एक डिवाइस है, मान लो कंप्यूटर वन है, C1 है, यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर है मान लो C2 है, यहाँ पे एक मोबाइल है M, यहाँ पे मान लो कोई बड़ा सा एक प्रिंटर रखा P। ये डिवाइस सारी सेंट्रल डिवाइस के थ्रू आपस में कनेक्टेड रहेंगे। अगर जैसे प्रिंटर को अगर डेटा कंप्यूटर C1 मान लो C1 एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहता है, C1 यहाँ से कमांड जाएगा, तो C1 से डेटा जाएगा पहले सेंट्रल डिवाइस तक, सेंट्रल डिवाइस से फिर जाएगा डेटा प्रिंटर P तक और डेटा प्रिंट कर देगा। मान लो मोबाइल M कुछ प्रिंट करना चाह रहा है, तो यहाँ से M से डेटा पहले यहाँ पे जाएगा सेंट्रल डिवाइस तक और यहाँ से जो डेटा जाएगा प्रिंटर P तक जाएगा। तो इस टाइप से अगर कोई टोपोलॉजी बनती है तो उसको हम बोलते हैं स्टार। ठीक, नेक्स्ट जो टोपोलॉजी का जो टाइप है वो है बस। बस में क्या होता है, जो डेटा का जो डिवाइसेस का अरेंजमेंट होता है कुछ बस के फॉर्म में होता है। उसमें क्या होता है, एक सेंट्रल केबल रहती है, मान लो एक सेंट्रल केबल है, मान लो कोई ऑप्टिकल फाइबर केबल या कुछ रहेगी और उसके बगल में ऐसे डिवाइसेस, मान लो एक कंप्यूटर कनेक्टेड है, इधर मान लो दूसरा कंप्यूटर कनेक्टेड है, यहाँ पे मान लो एक मोबाइल कनेक्टेड है, यहाँ पे एक प्रिंटर कनेक्टेड है, तो ये प्रिंटर कनेक्टेड रहेगा, ये मान लो C2 है, ये C1 है और ये मोबाइल है, तो M नाम दे देता हूँ।
इसमें एक सेंट्रल या कोर केबल होती है, उस कोर केबल से बाद में दूसरी डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्शन होके आपस में ऐसे कनेक्टेड होती है। जो भी डेटा सी वन को मान लो डेटा प्रिंटर तक पहुँचाना, सी वन से डेटा यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ऐसे ट्रेवल करेगा, उसके बाद प्रिंटर सी तक जाएगा। सेम चीज़ मान लो सी वन को सी टू के साथ कम्युनिकेट करना है, तो यहाँ से डेटा यहाँ जाएगा इस केबल के थ्रू, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। सेम चीज़ सी वन को एम तक डेटा सेंड करना है, तो इधर से इधर जाएगा, फिर ये जाएगा इस टाइप से। तो कोई भी डिवाइस एक दूसरे से डेटा ट्रांसमिट कर सकती है, लेकिन जो डेटा एक्चुअल में ट्रांसफ़र होता है सारा का सारा जो मेन कोर केबल है उसके थ्रू ट्रांसमिट होता है। बाकी दो अपन दो जो टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी और मैश, नेक्स्ट लेक्चर।